शर्मा फाइनली बाहर निकल के आ चुकी है। और आप सभी को बता दूं, नीतू शर्मा को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार और बहुत सारी बातें बोली। मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला, एक बड़ी अपडेट देने वाला हूँ नीतू शर्मा के रिलेटिव, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इस तरह के अपडेट लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई चीज़ आप सभी जानते होंगे, जब से नीतू शर्मा ने आप सभी सामने गुस्तागी करी तो जब से लेकर तो अभी तक हमारे देश का माहौल कैसा है आप सभी को पता होगा। कई सारी जगह दंगे भी हुए और उदयपुर के अंदर मर्डर भी हो चुका है उसी को लेकर। लेकिन ऐसे में नीतू शर्मा पूरी तरह से गायब थी। पुलिस उनको ढूंढने के लिए बार बार उनके घर पे जा रही थी, लेकिन नीतू शर्मा मिल नहीं रही थी। लेकिन ऐसे में आप बता दूँ, आज नीतू शर्मा ने एक याचिका दी थी हाईकोर्ट के अंदर, जहाँ पर उन्होंने ये अपील की थी कि जितने भी मेरे पे केस लगे हैं पूरे देश भर में, वो सारे के सारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कर दो। लेकिन ऐसे में आपसे बता दूं, नीतू शर्मा को जिस तरह से हाई कोर्ट ने फटकार लगाई वो सुनने के बाद आप चौंक सकते हैं, क्योंकि नीतू शर्मा को डायरेक्ट हाई कोर्ट ने बोला कि जितने भी दंगे हमारे देश के अंदर हो रहे, जो हमारे देश का माहौल है वो आपकी वजह से बिगड़ा है, और जो उदयपुर के अंदर जो घटना हुई जिस तरह से मर्डर हुआ एक टेलर का, वो भी आपके वजह से हुआ, आपको पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। इसी के साथ कई सारी बातें बोली हाई कोर्ट ने और उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी। मतलब जो उन्होंने याचिका डाली थी कि मेरे पे जितने भी केस लगे वो सारे के सारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कर दो, उन्होंने डायरेक्ट हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दी उनकी अपील को। आप सभी को बताते चलो, ये फैसले से कई सारे लोग खुश हुए, क्योंकि जिस तरह से नीतू शर्मा को हाई कोर्ट ने डांटा है और जिस तरह से उनको बताया कि आपकी वजह से देश भर में दंगे वगैरह और एक जगह मर्डर भी हुआ। तो गाइस सब बता दूँ, ये खबर सुन के आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। जिस तरह से हाई कोर्ट ने बोला कि आपको लगता है जितनी भी चीज़ें हुई नीतू शर्मा की वजह से, जो उदयपुर के अंदर मर्डर हुआ, क्या आपको लगता है कि ये भी नीतू शर्मा की वजह से हुआ? अगर आपको लगता था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करें, क्योंकि अभी भी हमारे देश का कानून कहीं ना कहीं सही काम कर रहा है। इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करिए, लोगों तक फैला दीजिए।